वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे आज हम बात करेंगे पीएच और पीएच इंडिकेटर्स के बारे में सो so, पी किसी भी सोल्यूशन uh, की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है या किसी भी महलूल की एक ऐसी सलाहियत होती है जो कि हमें यह बताती है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो एसिडिक है या बेसिक है अब आपको पता है जी दो तरह की चीजें होती हैं कोई भी सोल्यूशन या तो तेजाबियत वाला हो सकता है या वो हसासियत वाला हो सकता है अगर वो तेजाबियत है उसके अंदर पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये एसिडिक है और अगर उसके अंदर हसासियत पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं या ये बेसिक है या ये अल्कलाइन है अब पीएच को फार्मास्यूटिक्स में पढ़ने का बेसिक मकसद ये है कि हमारी जो बॉडी है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक पीएच होती है उसकी अपनी एक खास जो है वो तेजाबियत या हसासियत होती है बॉडी के अंदर मुख्त तरह के ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर मैदा होता है लीवर होता है पेंक्रियाज होता है ब्लड होता है ब्रेन होता है इस तरह के बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं तो हमारी बॉडी में हर एरिया की अपनी एक खास पीएच होती है जैसे कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टीन है लार्ज इंटेस्टीन है ब्लड है ब्रेन है इन सब की जो पीएच है वो ज्यादातर बेसिक होती है या सेवन से एट के दरमियान दरमियान होती है जो कि हसासियत के अंदर आती है बट बॉडी का एक खास आर्गन ऐसा भी है जिसका नाम स्टामक है जिसकी पीएच जो है वो स्ट्रॉग एसिडिक होती है यानी पीएच हमारी जो मैदे मैदा है उसके अंदर तेजाबियत ज्यादा होती है तो पीएच हमें या पीएच मीटर हमें ये बताता है कि किस सोल्यूशन की या बॉडी के किस हिस्से की के अंदर तेजाबियत ज्यादा है या वहां पर हसासियत ज्यादा है सो तो अगर इसको हम फार्मूला की शक्ल में देखें या डेफिनेशन की शक्ल में देखें तो पीएच बेसिकली क्या होता है पीएच इज अ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन्स कं हाइड्रोजन आइन बेसिकलीफाइन एसिडिकॉपर्टीजन की, किसी भी की ये के वो, वो एसिडिकल दिखाया हुआ है पी एच स्केल जीरो से शुरू होता है और फोर्टीन के ऊपर होता है जीरो से छ के दरमियान अगर किसी भी चीज की पी आती है यानी की आपके पास एक पेपर होता है उसके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है जीरो वन टू थ्री या उसके ऊपर कलर होते हैं उस पेपर को आप किसी सॉल्यूशन के अंदर डालें और आपके पास तीन के ऊपर कलर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो चीज क्या है एसिडिक है तो वो चीजें जिनकी पीएच जीरो से छ के दरम्यान में होती है वो एसिडिक होते हैं वो चीजें जिनकी पीएच सेवन आती है वो उसको हम कहते हैं वो न्यूट्रल है यानी कि ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है और अगर किसी भी चीज की पीएच जो है वो आपके पास आठ से चौदह के दरम्यान में आती है तो उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर हसासियत पाई जाती है यानी कि ये बेसिक है ये अल्कलाइन है ठीक है तो जब हमारा पीएच मीटर शुरू होता है तो उस जगह पे वो चीज स्ट्रांग एसिड होती है तो जो जीरो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रांग एसिड को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एसिडिटी कम होती जाती है क्योंकि चीज क्या होती जा रही है न्यूट्रल होती जा रही है ठीक है सो सबसे स्ट्रांग एसिड कौन होगा जीरो सबसे वीक एसिड कौन होगा जो न्यूट्रल के करीब है डेट इज सिक्स सो अगर आपसे एमसीक्यू आए आई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड ऑप्शन आपको दे जीरो वन टू थ्री तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा थ्री जो जितना आगे की तरफ होगा वो उतना वीक होगा जो जितना इस तरफ होगा कॉर्नर वाला जो है वो स्ट्रांग एसिड होगा इसी तरह से जब आप यहां से आगे की तरफ जाते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है न्यूट्रल से आप जितना दूर होते जाएंगे बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी सो so, 14 जिसकी पीएच होगी वो स्ट्रांग बेस होगी और जिसकी पीएच न्यूट्रल के करीब होगी वो वीक होगी सो so, न्यूट्रल के करीब जो चीज होगी इस साइड पे होगी तो वो वीक बेस होगी इस साइड पे होगी तो वो वीक एसिड होगी या दूसरे अल्फाज में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो कॉर्नर की चीजें होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं जो एसिड के कॉर्नर पे है वो स्ट्रांग एसिड है जो बेस के कॉर्नर पे है है वो क्या स्ट्रॉ बेस है सो सोल्यूशन पी एच लेस देन आर कार्ड आपको बता दिया है जिनकी पी एच सेवन से ज्यादा होती है उसको आप बेसिक अल्कलाइन कहते हैं और जिनकी पी एच सेवन होती है और उनको हम क्या कहते हैं न्यूट्रल जैसे कि हमारा ब्लड है हमारा ब्रेन है या हमारी बॉडी के जो मुख्तफ ऑर्गेन्स है उनकी पी एच सेवन पॉइंट वन टू थ्री फोर इसी टाइप की होती है अब हमारे पास फार्मेसी में पी एच क्यू हमें पढ़ाई जाती है क्योंकि आपको पता है हम फार्मेसी में मेडिसिन बनाते हैं ड्रॉप्स बनाते हैं इंजेक्शन बनाते हैं सीरप्स बनाते हैं और उन चीजों को हमने बॉडी के अंदर अप्लाई करना होता है अब आपने अक्सर गौर किया होगा कि अगर वो लोग जो आंखों में लेंस लगाते हैं तो वो लेंस के लिए खास किस्म का सोल्यूशन यूज करते हैं उस सोल्यूशन के अंदर वो लेंस को रखते हैं आप उस सोल्यूशन की जगह सिंपल पानी या डिस्टिल्ड वाटर या बॉयल्ड वाटर या मिनरल वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते वो क्यों इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जो आप स्टल वाटर मिनरल वाटर या बॉयल वाटर इस्तेमाल करते हैं उनकी पीएच डिफरेंट होती है उनके अंदर मिनरल्स होते हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेजम हो सकते हैं उनके अंदर कोई और पार्टिकल्स हो सकते हैं या उनकी पीएच डिफरेंट होती है वो हमारी आंख के अंदर मौजूद जो आंसू होते हैं उसकी पीएच के मुताबिक नहीं होती सो so, अगर हम किसी आ, आ, चेंज पीएच को आपकी बॉडी के अंदर ऐड कर देंगे तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो जाता है अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मिनरल वाटर आंख के अंदर डाल लें या कोई और ऐसी चीज आंख के अंदर डाल लें जिसकी पीएच आपकी आंख की पीएच से डिफरेंट होती है तो वो चीज़ आपकी आंख के अंदर रिएक्शन काज कर सकती है यही वजह है कि जब भी हम कोई मेडिकल प्रिपरेशन बनाते हैं कोई भी डोजेज फॉर्म्स बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो डोजेज फॉर्म हम जिस ऑर्गेन के लिए बना रहे हैं उस ऑर्गेन की जो पीएच है वही पीएच हम उस प्रिपरेशन की रखें ताकि वो प्रिपरेशन जब हम उसको अपने के ऊपर अप्लाई करें तो वो केमिकल रिएक्शन जो है वहाँ पे शो ना करें सो इसलिए फार्मेसी में आपको पीएच या जो आपके पास फार्मास्यूटिक्स है इसमें पीएच जो है वो पढ़ाई जाती है सो कॉन्सेप्ट ऑफ पी एच है डोजेज फॉर्म तो पी एच हमें क्यों जरूरी है ताकि हम जो मेडिसिन बनानी है, है टेबलेट सीरप कैप्सूल उनके बारे में हमें पता हो सके इट है प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप अगर आप आई ड्रॉप बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी आंख की पीएच क्या होती है जो हमारे आंख के सोल्यूशन की पीएच होती है वही पीएच आपने आई ड्रॉप्स की रखनी है अगर हम आई ड्रोप्स की पीएच चेंज कर देंगे और उन आई ड्राप्स को आंखों में डालेंगे तो हमारे आंखों में रिएक्शन हो सकता है हो सकती है इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ एयर ड्रॉप्स इसी तरह से जो हमारे एयर ड्रॉप्स होते हैं जो हमने कतरे कानों में डालने होते हैं कान की भी अपनी एक स्पेसिफिक पीएच होती है अगर आप गलत सॉल्यूशन गलत पीएच वाला सॉल्यूशन आपकी कानों में डालेंगे तो कान के अंदर भी मसला हो सकता है जो भी हम इंजेक्शन बनाते हैं वो इंजेक्शन क्योंकि हम ब्लड के अंदर लगाते हैं या मसल के अंदर लगाते हैं तो ब्लड की पीएच क्या होती है सेवन पॉइंट थ्री फाइव इसी तरह से हमारे मसल्स की भी पीएच होती है तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो इंजेक्शन बना रहे हैं या जो हम आईवी इंजेक्शन लगा रहे हैं या इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं उनकी पीएच हमारे ब्लड की पीएच के मुताबिक होगी तो वो इंजेक्शन हमारी बॉडी में काम करेगा अदरवाइज वो रिएक्शन इंजेक्शन हमारी बॉडी के अंदर जाके रिएक्शन क्रिएट कर सकता है साथ साथ जो आप ओरल सोल्यूशंस बनाते हैं उनकी भी पी एच होनी चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क हमारे जो मुंह है उसके अंदर जो है वो सलाइवा मौजूद होता है और सलाइवा की अपनी एक पी एच होती है सो तो जो भी चीज हम ओरली देते हैं उसकी पीएच जो है वो हमारे सलाइवा की पीएच के मुताबिक होनी चाहिए इसके साथ साथ जो हमारे नेजल ड्रॉप्स हैं यानी कि हमारी जो नाक है इसकी भी अपनी सिक्रीशन होती है जिसको हम नेजल सिक्रीशन कहते हैं नेजल सिक्रीशन की भी अपनी एक पीएच होती है तो कोई भी चीज अगर आप नाक के अंदर लगा रहे हैं एज ए मेडिकेशन तो उसकी भी पीएच जो है वो आपकी नाक की जो सिक्रीशन है उसकी पीएच के मुताबिक होनी चाहिए अगर वो ऐसी नहीं होगी तो नाक के अंदर आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी देन आता है पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं इंडिकेटर का मतलब होता है निशानदही करने वाले बताने वाले ये ऐसे आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं या केमिकल्स होते हैं जिनको हम किसी भी अगर सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो हमें कलर चेंज करके बता देते हैं कि इस सॉल्यूशन की पीएच क्या है या इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है सो पीएच इंडिकेटर्स आर द केमिकल्स डेट आर एडेड इन द सोल्यूशन जो कि आपके पास कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर आप वो केमिकल डालें और इससे आप उस सोल्यूशन की पीएच क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं तो हमारे पास तीन तरह के पी इंडिकेटर्स होते हैं एक पीएच इंडिकेटर को आप कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर एक को आप कहते हैं रिडॉक्स इंडिकेटर एक को आप कहते हैं प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होंगे कि अगर हम उस पीएच उस केमिकल को किसी भी किसी भी सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो केमिकल हमें बता देगा कि जो सोल्यूशन है आपका ये एसिडिक है या ये बेसिक है यानी कि वो तजाब, तजाबियत है उसके अंदर या हिसासियत है तो अगर गौर करें तो उस केमिकल ने हमें उस सोल्यूशन की पीएच के में बता दिया कि वो एसिडिक है या बेसिक है तो इस तरह के इंडिकेटर्स को हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर साथ में आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करनी है एमसी के हवाले से तो एसिड बेस इंडिकेटर के एग्जाम्पल में हमारे पास आता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल एथन फनेथलिन या मिथाइल ऑरेंज अगर हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो हमें उस सोल्यूशन की पीएच के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है क्योंकि ये केमिकल अपना कलर चेंज करते हैं और इस कलर चेंज की बेस पर हमें आइडिया हो जाता है सेकेंड जो आपके पास इंडिकेटर आता है डेट इज कॉल्ड रिडॉक्स इंडिकेटर जो लव्स रिडॉक्स है ये दो चीजों से मिलकर बना है रिडॉक्स का मतलब है रेड का मतलब है रिडक्शन ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन वहां से निकलती है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं जबकि इसके अपोजिट जो होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन का निकलना या किसी भी चीज के अंदर हाइड्रोजन का ऐड होना इस कार्ड रिडक्शन तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के प्रोसेस होते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन होती है या उनमें से केमिकल निकलता है ऑक्सीजन निकलती है तो रिडक्शन होती है इन जो हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर्स होते हैं इनको अगर हम सोल्यूशन के अंदर डाल दें तो ये सोल्यूशन हमें ये बताते हैं या केमिकल्स हमें ये बताते हैं कि ये सोल्यूशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने की साहियत रखता है या रिडक्शन रिएक्शन uh, करने की साहियत रखता है तो इसकी में हमारे पास आता है मिथाइल ब्लू मिथाइलिन ब्लू एक ऐसा केमिकल है जिसे अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो हमें इस चीज की निशानदेही करता है कि ये सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन कर सकता है या ये रिडक्शन कर सकता है तीसरा आपके पास होते हैं प्रेसिपिटेट इंडिकेटर्स Uh, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो जब किसी भी सोल्यूशन uh, के अंदर डाले जाते हैं तो ये वहां पर अपना कलर चेंज करके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को बताते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये ये प्रेसिपिटेशन कर सकता है प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का नीचे बैठ जाना इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है फिनोल रेड यानी कि फिनोल रेड एक ऐसा केमिकल है जिसे अगर हम किसी भी सोल्यूशन uh, के अंदर डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेट होकर वहां पर बता सकता है कि ये केमिकल या ये सोल्यूशन जो है प्रेसिपिटेशन करने की सलाहियत रखता है या ये नहीं रखता अब पीएच इंडिकेटर्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं हमारे पास लैब में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी पीएच हमें नहीं पता होती किसी और ने बनाए हैं या बहुत पुराने और हमें नहीं पता कि इनकी पीएच क्या है तो हम पीएच इंडिकेटर्स उनके अंदर डाल के चेक कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या ये बेसिक है या ये ऑक्सीडेशन कर सकता है या ये रिडक्शन कर सकता है या ये प्रेसिपिटेशन कर सकता है टू चेक द पी ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म फॉर एग्जाम्पल हम सीरप में डाल के चेक कर सकते हैं एयर ड्रॉप्स आई ड्रॉप्स ऑइंटमेंट वो होती हैं जो हम आंखों में लगाते हैं और नेजल सिक्रिशन या नेजल नेजल बल्कि यहाँ पे नेजल सिक्यूशंस की जगह आना चाहिए था नेजल प्रिपरेशंस नेजल प्रिपरेशंस जो होती हैं उनके अंदर भी इन इंडिकेटर्स को डाल के हम चेक कर सकते हैं कि क्या जो सीरप हमने बनाया है उसकी पीएच वही है जो कि हमारे मुंह की पीएच होती है या जो एयर ड्रॉप्स हमने बनाए हैं उनकी पीएच वही है जो हमारे कानों की पीएच होती है तो इस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज